आप जितना भी महंगा काजल पहनती है फिर भी वो फैल जाती है ना, वो ना फैले, आज की वीडियो इसी टॉपिक में है। अगर आपको भी वही प्रॉब्लम होती है ना तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। अगर आपकी काजल स्मच प्रूफ है तब भी फैलती है ना, तो जो जो ट्रिक मैं बता रही हूँ वो अप्लाई ज़रूर कर लेना। सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ हुए ना, आप जैसे भी काजल पहन रहे हैं फैल रही है, जो भी क्रीम और मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद ज़रूर कोई कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर आंखों के अंडर आई अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। तो आप जब पाउडर या सेटिंग पाउडर अंडर आई देंगे ना, तो क्या होगा, वो जो आई एरिया है ना वो सेट हो जाए। आपके पास जो भी लूज पाउडर अवेलेबल है वही अप्लाई कर लिए, उसके बाद काजल अप्लाई करें। तो काजल आपको जैसे चाहिए वैसे पहनी है, आपको डीप चाहिए डीप पहन सकते हैं, लाइट चाहिए लाइट पहन सकते हैं। तो मुझे जैसे चाहिए वैसे पहन रही हूँ। सबसे पहले मैं वाटर लाइन फिलअप कर रही हूँ। मेरी आई एरिया अभी भी मैट है, आप देख सकते हैं थोड़ा व्हाइटिश है क्योंकि मैंने पाउडर पूरा नहीं हटाया है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। उसके बाद मैं काजल से फिलअप कर रही हूँ। हाँ, आप जितना मोटा चाहे जितना चाहे पहन सकते, नहीं फैलेगी, आपको वो डर नहीं लगेगी। हाँ, ज़्यादा काजल पहन लिया फैल जाएगी तो काली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगी। तो इसलिए मुझे जैसा चाहिए मैं से फिलअप करिए, उसके बाद आप पहन लीजिए जितना चाहिए डार्क और लाइट कर लीजिए। उसके बाद ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें, आपके पास जो भी ब्रश हो, खाली ब्रश हो, उससे आप अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर लीजिए। मतलब ज़्यादा अगर किधर ज़्यादा डार्क हो खींचा ज़्यादा लाइट हो तो आप अच्छे से वो ब्लेंड कर लीजिए, वरना जब पसीना आए तो जिधर ज़्यादा डार्क है वो ना फैल जाए। तो मिनिमम लेवल कर लेना ज़रूरी है, वही करें। उसके बाद मेरे पास आई शैडो पैलेट से मैं ब्लैक ले रही हूँ। हाँ, मेरे पास आई शैडो पैलेट है, जिसके पास नहीं है वो आई शैडो उसकी ब्लैक स्किप करके सिर्फ पाउडर ले सकते हैं। तो मेरे पास आई शैडो पैलेट अवेलेबल है, इसलिए मुझे आई शैडो पैलेट से मैं ब्लैक लेकर वो काजल एरिया को थोड़ा टचअप दे रही हूँ, क्योंकि काजल में जो ऑयलीनेस थोड़ा बहुत होती है ना वो आई शैडो की पाउडर ऑब्जर्व कर ले। आपके पास अगर ब्लैक ना हो तो आप ज़रूर इसमें पाउडर ऐड कीजिए, और पाउडर अगर व्हाइटिश हो रही है तो आप काजल से सेट करने के बाद थोड़ा पाउडर से हटा दीजिए, पाउडर थोड़ा ब्रश से हटा दीजिए। मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास आई शैडो की ब्लैक है, इससे मैं मैट कर रही हूँ। आप अगर पाउडर से कर रही है व्हाइटिश हो रही है तो आप एक्स्ट्रा ब्रश यूज़ करके वो व्हाइटिश हटा दीजिए, उसके बाद ही आपकी काजल मैट हो जाएगी, नहीं फैलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप देख ही सकते हैं मुझे जैसा चाहिए मैं वैसे कर रही हूँ। मैं थोड़ा लाइट प्रेफर करती हूँ, आप अगर ज़्यादा डीप प्रेफर करते हैं तो आप डीप कर सकते हैं। मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा कर लिया है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। और एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो पहले एक टिश्यू में आइस लेकर थोड़ा आइस में दे दीजिए, उसके बाद जो मैं प्रोसेस बोल रही हूँ वो फॉलो करें। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए मैंने ये बताया है, पहले आइस दीजिए आँखों में ठंडा करके, थोड़ा ये प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिए। आप देख सकते हैं मुझे जैसा आई मेकअप चाहिए था मैंने कंप्लीट कर लिया। आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। हाँ, ज़रूर ट्राई करें तो मुझे बताइए कि आपका काजल फैला या नहीं फैला। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।